अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की खबर पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। नगर पालिका बहराइच का मुद्दा पहुंचा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान तक। मंत्री ने जांच का भरोसा दिलाया। आइए डालते हैं शाहिद सईद की एक रिपोर्ट पर नज़र, उत्तर प्रदेश बहराइच जिले की, जहां पर नगर पालिका बहराइच का मुद्दा अब राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री तक के पहुँच गया। आज मैं हूँ बहराइच में स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग लेने के लिए। यहाँ क्या बेहतर विकास कार्य हो रहे हैं, चुनाव हुआ है, हम काम कर रहे हैं, राजनीति आगे करेंगे जब होगा कभी, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी। ये लाउड स्पीकर का मामला इसमें उठा हुआ है, एक अजान और दूसरे पर हनुमान चालीसा अखंड रामायण का पाठ की आवाज उठ रही है, इस मामले पर क्या कहना है? इस मामले पर तो यही कहूंगा कि अदालत ने पहले इनका वोट डिक्लेयर कर रखा है कि इतनी इससे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। हम सबको कानून का पालन करना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ज्यादा नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तालाबों की जमीन पर जो नाजायज कब्जे हैं उसके बारे में आपने अब तक कौन सी कार्रवाई की है? बहुत से कब्जे बहराइच में भी हैं, सफेद पोश भी उस पर कब्जा किए हुए हैं, आपको क्या कहना? देखिए, मेरा यही कहना है कि कई बार तो कुछ गांव में जो तालाब के कब्जे इस तरह के हैं कि मान लिया 100 साल पुराने, आपको भी बताए कठिनाइयां होती हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम तो पूरे प्रदेश में चल रहा है। अगर किसी सफेद पोस्ट का है तो आप चुपचाप चिट मुझे दे देना, मैं डीएम को जाते हुए दे दूंगा, कार्रवाई हो जाएगी। वो भी नहर की जमीन पर खड़ा हुआ है, ये बड़े दुख की बात है, आपने मेरे संज्ञान में से लाया है, अभी जनप्रतिनिधि भी हूँ, जांच होगी निश्चित रूप से। माननीय मंत्री, एक मेरा सवाल, श्रावस्ती जनपद बहराइच जनपद से पिछड़ा जनपद है, बल्कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ से बेहतर है, जैसे कि सिटी स्कैन की व्यवस्था श्रावस्ती जनपद के अंदर है, वहाँ पर मौजूद है, और बहराइच मेडिकल कॉलेज के अंदर जहाँ अभी आपका भ्रमण कार्यक्रम भी है, वहाँ पर सिटी स्कैन की मशीन की व्यवस्था कोई भी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की बाहर बहराइच से लोग जाते हैं श्रावस्ती कराने के लिए जाते हैं, इस पर माननीय मंत्री जी बहराइच को आप क्या सवाल? मीटिंग में बात हो चुकी है इसके बारे में मीटिंग में बात हुई है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया गया था, जो जो उन्हें कमियां हैं, जो जो आवश्यकता है उनसे मांग ली गई है, वो पूरा कराने का प्रयास करते हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।